AIB Tech में स्वागत है दोस्तों आप सबका। दोस्तों फायरबॉल की दो स्मार्ट वॉच काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में आते हैं, जिसमें से एक है दोस्तों फायरबॉल 360 प्रो और दूसरा है फायरबॉल इनविंसिबल स्मार्ट वॉच। तो गाइस आज के इस वीडियो में इन दोनों ही स्मार्ट वॉच को करने वाला हूं कंपेयर और आपके लिए बताऊंगा दोस्तों कि इन दोनों बेस्ट स्मार्ट वॉच में से आपके लिए कौन सा ज्यादा बेस्ट स्मार्ट वॉच रहने वाला है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि हमारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर इजिली पहुंचते रहे और आप इजिली वीडियो को एंजॉय करते रहे। सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले के बारे में। तो फायरबॉल 360 प्रो में आपको एक सर्कुलर फेस की डिस्प्ले मिल जाती है, जिसकी साइज आपको 1.32 इंच की रहने वाली है। यह एक HD डिस्प्ले है और इसकी पिक्सल रेजोल्यूशन की बात करें तो आपको 360x360 का आपका पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाता है। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं फायरबॉल इनविंसिबल स्मार्ट वॉच के बारे में। यहां पर दोस्तों आपको सर्कुलर फेस की डिस्प्ले तो मिलती है, लेकिन दोस्तों इसकी साइज आपको 1.39 इंच की रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाने वाला और यहां पर आपको ऑलवेज ऑन का भी सपोर्ट मिल जाने वाला है। साथ ही साथ पिक्सल रेजोल्यूशन की बात करें तो आपको 454x454 का आपको पिक्सल रेजोल्यूशन मिल जाने वाला है। तो यहां पर दोस्तों डिस्प्ले के मामले में फायरबॉल इनविंसिबल आगे निकल जाता है। यहां पर इसकी डिस्प्ले की साइज भी बड़ी है, साथ ही साथ AMOLED डिस्प्ले एज वेल एज ऑलवेज ऑन का भी डिस्प्ले सपोर्ट मिल जाता है एंड पिक्सल रेजोल्यूशन भी काफी बड़ा है। अब दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्ट वॉच की कॉलिंग फीचर्स वगैरह के बारे में। तो गाइस इन दोनों ही स्मार्ट वॉच में आपको कॉलिंग के फीचर्स मिल जाने वाले हैं, तो काफी अच्छी बात है। आप अपनी स्मार्ट वॉच से डायल भी कर सकते हो, जो कॉन्टेक्ट आप सेव किए रहेंगे डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हो। अगर कोई कॉल आती है तो आप डायरेक्टली रिसीव करके बात वगैरह भी कर सकते हो। तो यहां पर दोस्तों आपको दोनों ही स्मार्ट वॉच में बिल्ट इन माइक एंड स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है और दोस्तों यहां पर आपको फायरबॉल 360 प्रो में बिल्ट इन गेम का सपोर्ट मिल जाता है, तो काफी अच्छी बात है। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप अपनी स्मार्ट वॉच में गेम वगैरह प्ले करके टाइम पास कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको फायरबॉल इनविंसिबल में बिल्ट इन गेम का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब दोस्तों यहां पर इन दोनों ही स्मार्ट वॉच के स्टोरेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस आपको फायरबॉल 360 प्रो में सिर्फ और सिर्फ आपको 512 MB का स्टोरेज मिलता है, बट दोस्तों यहां पर फायरबॉल इनविंसिबल में आपको 8 GB का स्टोरेज मिल जाता है। तो गाइस ये काफी अच्छी बात हो जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको 8 GB का स्टोरेज मिलता है। तो गाइस आप बहुत सारे कॉन्टेक्ट को सेव करके रख सकते हो अपनी स्मार्ट वॉच में, अप टू 200 कॉन्टेक्ट। साथ ही साथ दोस्तों आप अपने ही स्मार्ट वॉच में ही 1500+ सॉन्ग्स को भी सेव करके रख सकते हो और दोस्तों इससे आपको वॉच फेसेस भी काफी ज्यादा मिलने वाले आपके स्मार्ट वॉच में। आपको फायरबॉल इनविंसिबल में 100+ बिल्ट इन वॉच फेसेस भी मिल जाने वाले और दोस्तों आपको इन दोनों ही स्मार्ट वॉच में TWS पेयरिंग एंड कंट्रोलिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ये काफी अच्छी बात हो जाती है फायरबॉल इनविंसिबल के लिए, क्योंकि यहां पर आपको स्टोरेज ज्यादा मिलता है, तो आप अपने स्मार्टफोन में स्मार्ट वॉच में गाने को भी ज्यादा सेव करके रख सकते हो। तो गाइस अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप इजिली अपने एंटरटेनमेंट को कैरियर कर सकते हो, अगर आपके पास अपना स्मार्ट वॉच पड़ा है तो। अब दोस्तों यहां पर इन दोनों ही स्मार्ट वॉच में आपको हेल्थ मेजरमेंट्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस यहां पर आपको मिल जाने वाला है दोनों ही स्मार्ट वॉच में 24x7 का हार्ट रेट मेजरमेंट, स्लीप रेट मेजरमेंट एंड आपको SpO2 मेजरमेंट, ब्रीदिंग मेडिटेशन, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, बॉडी टेम्परेचर एंड फीमेल हेल्थ केयर का भी ऑप्शन के सपोर्ट यहां पर आपको ये सारे कुछ आपको मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इन सब के अलावा आपको फायरबॉल 360 प्रो में आपको 8 स्पोर्ट मोड मिल जाने वाले हैं, बट दोस्तों आपको फायरबॉल इनविंसिबल में 100 स्पोर्ट मोड मिल जाने वाले, क्योंकि दोस्तों यहां पर मेमोरी भी ज्यादा है तो आपको इस वजह से फीचर्स भी आपको ज्यादा दे रखा है फायरबॉल इनविंसिबल। यहां पर इन दोनों ही स्मार्ट वॉच के बैटरी बैकअप वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको फायरबॉल 360 प्रो में 10 डेज का बैटरी बैकअप मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं फायरबॉल इनविंसिबल का, यहां पर आपको 7 डेज का बैटरी बैकअप मिलने वाला है और स्टैंड बाय मोड पर आप 15 डेज तक इस्तेमाल कर पाओ। साथ ही साथ दोस्तों इन सब के अलावा इन दोनों ही स्मार्ट वॉच में आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन का सपोर्ट मिल जाने वाला है। तो गाइस आप जिस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को इनेबल करने वाले हो उन सबका नोटिफिकेशन आपके स्मार्ट वॉच पर आने वाला है और आप इजीली उसको कंट्रोल एंड माइनस कर सकते हो। और गाइस यहां पर इन सब के अलावा आपको वेदर फोरकास्ट का भी सपोर्ट मिल जाने वाला है आपकी स्मार्ट वॉच में, अलार्म का भी मिल जाने वाला है, स्टॉप वॉच के मिल जाने, ये सारे फीचर्स दोनों ही स्मार्ट वॉच में फायरबॉल 360 प्रो एंड फायरबॉल इनविंसिबल इन दोनों ही स्मार्ट वॉच में दे दिया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्ट वॉच के प्राइस पॉइंट वगैरह क्या हो सकता है, क्या है एक्चुअली में। तो गाइस आपको फायरबॉल 360 प्रो आपको मिल जाएगा 3,999 रुपीज, यानी कि आपको 4,000 में ये अमेजन पर अवेलेबल है इन सारे फीचर्स के साथ में। अगर आप चेकआउट करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों फायरबॉल इनविंसिबल का, तो गाइस ये अभी तक
लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन इसके जो जो भी स्पेसिफिकेशन मैंने बताया वो 100% एकदम कंफर्म स्पेसिफिकेशन है। और दोस्तों रही बात इसकी लॉन्च डेट की, तो वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका प्राइस पॉइंट आपको 5 to 6 के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इसको भी परचेज करने के बारे में सोचेंगे तो गाइस ये भी आपको अमेजन पर अवेलेबल रहने वाला है, आप इसको भी अमेजन से चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्ट वॉच में कौन सी आपके लिए ज्यादा बेहतर स्मार्ट वॉच है। तो गाइस यहाँ पर आपको फायरबोर्ड 360 प्रो में आपको सर्कुलर फेस की डिस्प्ले, आपकी डिस्प्ले थोड़ी सी छोटी रहती है इनविंसिबल से, और यहाँ पर मेमोरी भी आपको कम मिल जाती है, बाकी सब कुछ लगभग सिमिलर सा है फायरबोर्ड इनविंसिबल की तरह। लेकिन दोस्तों फायरबोर्ड इनविंसिबल में आपको सर्कुलर फेस की डिस्प्ले लेकिन थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ पर आपको ओएमओएलईडी डिस्प्ले एज वेल एज आपको ऑलवेज ऑन का सपोर्ट एंड आपको 8GB का स्टोरेज मिल जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों आपको 1500 प्लस आप गाने को भी सेव करके रख सकते हो, अप टू 200 कार्टेज को भी सेव करके रख सकते हो। साथ ही साथ आपको बहुत सारे मल्टीपल वॉच फेस इन बिल्ट दे दिया है, क्लाउड बेस्ड तो और रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों TWS के पेयरिंग वगैरह से और भी अच्छे लेवल का एंटरटेनमेंट वगैरह आप कर सकते हो फायरबोर्ड इनविंसिबल में। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही स्मार्ट वॉच में फायरबोर्ड इनविंसिबल कहीं की ज्यादा आगे निकल जाता है फायरबोर्ड 360 प्रो से। तो गाइस फायरबोर्ड इनविंसिबल अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन इसका प्राइस पॉइंट 5 to 6 के बीच में रहता है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव प्राइस पॉइंट के साथ में आता है। तो गाइस आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आप लोगों के लिए इन दोनों स्मार्ट वॉच में से कौन सा ज्यादा बेहतर स्मार्ट वॉच रहने वाला है। तो गाइस आई थिंक आपको वेट कर लेना चाहिए फायरबोल्ट इनविंसिबल के लिए, इसमें बहुत हद तक कुछ बेहतर एंड अच्छे स्पेसिफिकेशन आपको दे रखे हैं। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक कर देना। अगर आप हमें चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज हमें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर पहुंचते रहे और आप इजिली वीडियोस को एंजॉय करते रहे। अगर आपका कोई भी सुझाव होगा हमारे चैनल को लेकर के प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा, ताकि उसको इंप्लीमेंट करके वीडियो क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑलवेज लाइव हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।